आप लोगों ने रामायण में तो देखा ही होगा कि एक नीला व्यक्ति पेट के बल रावण के पैर के नीचे लेटा रहता है। क्या आप जानते हैं कि ये कौन है और इस तरह से रावण इसे अपने पैरों के नीचे क्यों रखता था? तो आइए हम आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही भक्ति वाली इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। रावण ने जिसे अपने पैरों के नीचे लेटाया था वो और कोई नहीं बल्कि शनि देव थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण एक बहुत बड़ा ज्योतिषी था और उसने 9 ग्रहों को बंदी बनाकर अपने अधिकार में ले लिया था। कहा जाता है कि रावण सभी ग्रहों को अपने पैरों के पास बंदी बनाकर रखता था। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि शनि देव की दृष्टि से व्यक्ति के जीवन पर काफी प्रभाव पड़ता है। ऐसे में शनि देव अपनी दृष्टि से रावण की शुभ स्थिति खराब करने की कोशिश में लगे रहते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार रावण के पुत्र की कुंडली बनाते समय रावण ने सभी ग्रहों का स्थान अपने हिसाब से कर दिया था, लेकिन शनि देव बार बार अपना स्थान बदलने की कोशिश कर रहे थे। तब रावण ने शनि देव को कंट्रोल में करने के लिए उन्हें अपने पांव के नीचे दबाकर रख लिया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शनि देव को रावण से मुक्त किसने किया था? इसकी भी एक कहानी है। जब हनुमान जी लंका गए तब उन्होंने लंका दहन के वक्त शनि देव को रावण से मुक्त करवाया था। इससे पहले नारद मुनि ने रावण को अपनी बातों में फंसाकर शनि देव को कारागार में शिफ्ट करवा दिया। कारागार के द्वार पर रावण ने इस प्रकार शिवलिंग लगा दिया कि उस पर पांव रखे बिना शनि देव भाग ही ना सके। तब लंका दहन के वक्त हनुमान जी ने शनि देव को अपने सिर पर बिठाकर मुक्त करवाया था। तब शनि देव ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को अपनी कुदृष्टि से हमेशा के लिए मुक्त करने का आशीर्वाद दिया और एक वर मांगने को कहा। तब हनुमान जी ने अपने भक्तों के लिए हमेशा शनि के कोप से मुक्त रहने का आशीर्वाद मांगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी हनुमान जी की आराधना करता है वह शनि देव की कुदृष्टि से हमेशा दूर रहता है।